हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के, जिसमें हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये न्यूज़। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ, इस जानकारी को ध्यान से सुने और लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने पढ़ा है कि मतलब जो हमारा PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसके अंडर में हमारे फार्मेसी फील्ड आती है, फार्मेसी कोर्स आती है, उसने क्या कहा, उसने एक प्रस्ताव रखा है, हमारे फार्मेसी काउंसिल ने क्या करा, एक प्रस्ताव रखा है हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने, कि जो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट है, यानी आपको पता है अगर कि जो PCI के अंदर रजिस्टर्ड होने के लिए आपको डी फार्मा या बी फार्मा का कोर्स होना जरूरी है, उसको क्वालिफाई होना जरूरी है, तो ये आपको गलत पता है फ्रेंड्स। तो आज के बाद ये भी ध्यान रख लीजिए कि जो हमारे PCI ने क्या है, ये प्रस्ताव रखा है कि जो हमारे PCI के अंदर रजिस्टर्ड हो गए उनको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, यानी जिसका एग्जाम का नाम रखा गया है एग्जिट एग्जामिनेशन। क्या करा गया कि एग्जिट एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आप PCI के अंदर में रजिस्टर्ड हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये न्यूज़ यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने के मिलेगी ये न्यूज़। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, जो मतलब पास आउट अब होंगे, उनके लिए क्या हो, उनके लिए कंपलसरी हो गया है कि उनको क्या होना, उनको एग्जाम क्वालिफाई करना ही होगा, तभी वो PCI के अंडर में रजिस्टर्ड हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेम न्यूज़ हमारे डी फार्मा स्टूडेंट के लिए भी है और बी फार्मेसी स्टूडेंट यानी बी फार्मा स्टूडेंट के लिए भी है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया ये है कि जो हमारे स्टूडेंट है वो जो पास आउट हो रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनमें ज्ञान का अभाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा फार्मेसिस्ट है उसकी में धुंधली होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए PCI ने ये स्टेप लिया है और क्या क्या है, एक प्रस्ताव रखा है हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने कि क्या करना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए, जिसमें क्या करना चाहिए, जिसमें जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको क्वालिफाई करना होगा वो एग्जाम, यानी 50% उसमें आपको मार्क्स गेन करने होंगे, तभी आप PCI के अंडर में रजिस्टर्ड हो पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये कहा गया है हमारे PCI ने। तो फ्रेंड्स, जो हमारे PCI के उपाध्यक्ष हैं, यानी जो हमारे PCI है उसके जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और एक यूनिवर्सिटी है हमारी यारवाड़ा यूनिवर्सिटी, उसके जो प्रोफेसर यानी जो चांसलर हैं प्रमोद येवले ने ये कहा है कि जो मतलब ये एग्जाम है इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की तुलना में जो हमारे फार्मेसी के कॉलेज है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख स्टूडेंट पर ईयर पास आउट होते हैं, और क्या हो, जिसकी वजह से जो फार्मेसी फील्ड है उसमें बहुत ही क्या हो, बहुत ही भीड़ बढ़ गई है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसका एग्जाम का करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने इसको कहा है कि मतलब ये जो एग्जाम है इसका उद्देश्य ये होगा कि मतलब जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं, पास आउट होने वाले हैं, उनको क्या करना, उनको चेक करना होगा कि उनकी नॉलेज उस लेवल की है या नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा फार्मासिस्ट है उसकी जो इमेज है उसमें निखार आएगा, तो इसका ये उद्देश्य होने वाला है। तो फ्रेंड, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप फार्मेसी फील्ड में आने की सोच रहे हैं या इसमें एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या आप फार्मेसी कर रहे हैं, प्रेजेंट करंट में कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। तो इसलिए आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपको क्या होना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तभी आप PCI के अंदर एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें लिखा गया है कि इसका उद्देश्य यही होने वाला है कि जो हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या को क्या कम किया जाए, ताकि अच्छे अच्छे फार्मेसिस्ट हमको मिल सके। तो फ्रेंड, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें वीडियो में आपको ये देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है, इसीलिए आप मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इसीलिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह लेकर के आता रहूँगा आपके लिए, कुछ नया नया लेकर के आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड कीप सपोर्ट।